हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजी टेक्निकल। ये वाला एक टॉयलेट एक बात और बाथरूम अटैच और एक यहाँ पे अलग से टॉयलेट है जिसमें इंडियन सादा टॉयलेट सीट लगेगा। उसके लिए हमने पे पेट्रेप इंस्टॉल किए और एक प्लस को इंस्टॉल किया है जो प्लस सीट को प्लस करेगा और एक टेप दिए जिससे डिब्बा भर सकेंगे। और यहाँ पर हमने 1.5 इंच का CPVC पाइप लिया है तो यहाँ पे 1.5x से रिड्यूस करके ये पाइप सीधा यहाँ पे एक टेबल टॉप वॉश बेसिन बनेगा उसके लिए पॉइंट दिया है। और इसमें हम एक और मल्टी टेप लगा के इसका जो ड्रेन रहेगा उसका पॉइंट भी बनाएंगे और ये सीधा पाइप जा रहा है वहाँ पे एक वाश एरिया बनेगा छोटा, उसके लिए हमने यहाँ पे 1 इंच का पाइप लिया है। वहाँ से रिड्यूस करके 1/5 होने से एक टेप लगाएंगे, बर्तन वगैरह धोने के लिए वाश एरिया बनेगा। और ये इस बाथरूम का ड्रेन पाइप निकाला है 75 mm का, आपको दिखाता हूँ मैं आगे। ये सीधा सीधा इधर से लेके यहाँ पे एक YT लगा के और वहाँ पे एक मल्टी टेप लगा है जो शावर और स्पाउट का जो पानी रहेगा नहाएंगे उस टाइम पानी जो गिरेगा वो इसमें ड्रेन होगा। और यहीं से YT से वहाँ से वहाँ पे एक वॉशिंग मशीन इंस्टॉल होगा, उसके लिए भी हमने मल्टी टेप लगाया है। जो वॉशिंग मशीन का ड्रेन रहेगा पानी वो इसमें जाएगा और वो जो ऊपर से पाइप आ रहा है ये 1.5 इंच का, यहाँ पे हमने दो शॉर्ट बैंड लगा के 90 डिग्री बना के लिया है जिससे प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा और प्रेशर अच्छा रहेगा। और यहाँ पे 1/1.5x से रिड्यूस करके फिर यहाँ पे दोनों 45 लगा के 90 डिग्री बना के फिर 1/5 होने से रिड्यूस करके जो प्लम्बर का डायवेटर इंस्टॉल किया सिंगल लीवर उसमें कोल्ड वाटर की सप्लाई दी है जो राइट साइड में है। और यहाँ पे 1/4 इंच का पाइप है CPVC ये ओवरहेड शावर के लिए और यहाँ पे स्पाउट के लिए। तो स्पाउट इसमें विथ हैंड शावर वाला लगेगा तो इसको जब हैंड शावर वगैरह इंस्टॉल करूँगा तो आपको इसका वीडियो भी बना के दूँगा। और लेफ्ट साइड में हॉट वाटर का कनेक्शन किया है, ये देखिए ये ऑनलाइन यहाँ से लेके फिर 1.5x से रिड्यूस करके यहाँ पे 1/1 की टी लगा के गीज़र लगेगा उसके लिए कोल्ड वाटर का कनेक्शन किया है। तो ये 1/1.5 का ब्राज़ील बोए वो लगाया है जिससे गीज़र भरने में टाइम भी नहीं लगेगा और प्रेशर भी अच्छा बना रहेगा जिससे हॉट वाटर जो आउटलेट होगा वो इसमें 1/4 इंच का पाइप लगाया है, ये देखिए जो प्लम्बर का जो डायवेटर है उसमें कनेक्ट हुआ है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि इनलेट में आप 1 इंच का पाइप लगा सकते हैं पर आउटलेट में हमेशा 1/4 इंच का पाइप लगाएं जिससे इसमें प्रेशर भी अच्छा रहेगा और 1/4 इंच का पाइप लगाने से इसमें प्रेशर रुक रुक के नहीं आएगा हॉट वाटर का और सही से आएगा। यहीं से हमने फिर वापस 2 45 यूज़ करके 90 डिग्री बना के सीधी लाइन ली है यहाँ पे। और यहाँ पे भी हमने 2 45 का यूज़ करके 90 डिग्री बना के यहाँ पे 1/5 होने से रिड्यूस करके 1/5 होने की टी लगा के ये जो यहाँ पे एक सिस्टर्न टैंक लगेगा यूरोपियन सीट को फ्लश करने के लिए उसके लिए यहाँ पे पॉइंट दिया है जो हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है सिस्टर्न टैंक को भरने के लिए। और यहीं से हमने वापस 45 से 90 डिग्री बना के सीधी सीधी लाइन ली है और यहाँ पे 1/1 से रिड्यूस करके पीछे जो एक इंडियन टॉयलेट सादा सीट लगेगा उसके लिए लाइन लगे एक बाई एक की टी लगा के 45 लगा के क्रॉस की ये सिंगल की दीवार है 4 इंच की उसके लिए हमने यहाँ पे 45 लगाना पड़ा। और यहाँ पे 1/5 होने से रिड्यूस करके एक प्लम्बर का कंसील्ड पोप लगाया है जो जेट स्प्रे को ऑन ऑफ ऑपरेट करने में काम आएगा। ये जेट स्प्रे का पॉइंट है जो यूरोपियन टॉयलेट सीट लगेगी उसमें उसके लिए। और यहाँ पे एक और पॉइंट दिया है जिसमें टू वे बीप कोक लगा के एक हेल्पोसेट का पॉइंट और एक जो डिब्बा भरने के लिए पॉइंट रहेगा। और यहाँ पे हमने टैंक इस टॉयलेट और बाथरूम के जस्ट नीचे ही है तो यहाँ पे हमने 110 mm का आउटलेट छोड़ा है जो यूरोपियन का जो आउटलेट होगा पानी उसके लिए कचरा वगैरह जो आउटलेट होगा वो इसी में जाएगा उस नीचे सेफ्टी टैंक। और फिर हमने यहाँ पे सेफ्टी टैंक से जोड़ के यहाँ पे गैस के लिए पाइप दिया है जो गंदी बदबू रहेगी उसके थ्रू निकल जाएगी
और अगर भविष्य में आप कस्टमर चाहे तो इसमें एक टॉयलेट और बाथरूम अगर ऊपर बनाना चाहे तो भी काम में आएगा, और केस के काम में भी आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और आपका कुछ भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।